khasan.com के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इंदौर में आज कर्फ्यू के सन्नाटे के बीच हम आपको बताते हैं कि इंदौर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या हो रहा है। देश में इंदौर को 75वें नंबर वन लाने वाले मनीष सिंह अब इंदौर को कोरोना वायरस मुक्त शहरों में नंबर वन लाने के लिए पूरी तरीके से जुट गए हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस से डरे नहीं, क्योंकि 65% पेशेंट को पता ही चलता है वे घर में रहकर ठीक भी हो जाते हैं। 10-15% लोग हॉस्पिटलाइज रहते हैं, वो भी देखभाल के बाद ठीक हो जाते हैं। कुछ सावधानी बरतना जरूरी है। इंदौर में अभी जो भी किया जा रहा है वो काफी जरूरी है। प्रशासन द्वारा इतनी सख्ती दिखाना जरूरी है। पूरे शहर को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जहाँ भी कोरोना वायरस बाहर है वो जनता काफी प्रभावित कर रही है। कुछ स्टडीज के मुताबिक शहर में 24 घंटे में कोरोना वायरस यदि हवा या बाहर है तो वो डेड हो जाएगा। इसलिए काफी जरूरी है, क्योंकि हम भी जानते हैं सख्ती से शहर की जनता को परेशानी हुई है, पर ये जरूरी है। आज शाम को 5-7 बजे के बीच दूध बांटा जाएगा। सांची से हमारी बात हो गई है और जो लोग गाड़ी लेकर आते हैं उन्हें ना रोका जाए। कल 7 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हम लोग सख्ती करके बैकएंड पर सारी टीम में जा रही है। जहां भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है उसके परिवार को क्वारंटाइन में डाल रहे हैं। वहां अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है, लैब टेस्टिंग की जा रही है। जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उन्हें 14 दिन अलग रखा जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी। कुछ मैरिज गार्डन को क्वारंटाइन बनाया है, वहां रखेंगे और फिर देखा जाएगा वे व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क में है। तो 6 घंटे के अंदर उन लोगों को भी हम ऐसे स्थानों पर रखेंगे और उन पर हल्की कार्रवाई की जाएगी। रात भर में लगभग 100 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे ही खदराना में भी काफी लोगों को शिफ्ट किया गया है। जिस तरह से जनता सहयोग कर रही है, जिस तरह से मीडिया सहयोग कर रही है, जिससे बाकी लोग सहयोग कर रहे हैं, मुझे पता है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। आज शाम को 5-7 दूध दे रहे हैं और कल भी सुबह 1 घंटे का समय रहेगा। ये जो भी कर रहे हैं वो जनता के लिए, रहवासियों के लिए किया जा रहा है। जो कल रानीपुरा में हुई घटना ऐसा होगा तो स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस कर्मचारी जो लगे हैं उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता जिम्मेदारी है। उनके साथ दुर्व्यवहार होगा तो तत्काल FIR दर्ज कराई जाएगी। लेकिन जो गरीब परिवार है जो इतना स्टोर नहीं कर सकते उन लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 5,000 राशन के पैकेट हम लोगों ने बनवाए हैं। उनके माध्यम से टीम अलग अलग जगह जाना शुरू हो जाएगी। जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं होगा, पेशेंट का जाना कंट्रोल नहीं होगा, किसी भी शहर से जाना, किसी भी शहर के अंदर आना रिस्की होगा। ये कर्फ्यू जनता के स्वास्थ्य के लिए है, कोई दंगा फसाद या अन्य कर्फ्यू नहीं है। ये वायरस के विरुद्ध लड़ाई और इसे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग रोज मेडिकल ऑफिस में बैठ रहे हैं और बस कर रहे हैं कि 80% लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। 50-60% लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब वायरस लगा और कब ठीक हो गया। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कंट्रोल भी करेंगे। क्लिनिक बंद करने के निर्देश हमने दिए हैं, क्योंकि कई शहर में जहां कोरोना फैला था वहां स्थिति इसी वजह से खराब हुई है कि क्लिनिक खुली थी और इन्फेक्टेड लोग उसमें गए। वैसे सारे निजी अस्पताल वाले सहयोग कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग थी कि उन्हें किट दी जाए, वो हमने दे दी है। ऐसे डॉक्टर से अस्पताल में जाकर पूरी सुरक्षा के साथ वहां सेवाएं दे सकते हैं। हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। शहर के अधिकांश अस्पताल ग्रीन कैटेगरी में रहेंगे जहाँ कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, और येलो अस्पताल में कोरोना के सिम्टम्स वाले पेशेंट रहेंगे। जिला अस्पताल में हम लोग 1 माह के लिए लोगों को रखेंगे। कभी डर बैठ जाता है, इसलिए ये लोग अस्पताल में जाएंगे। अरविंदो भी आज से शुरू कर रहे हैं, वहाँ पेशेंट शिफ्ट भी कर रहे हैं। अरविंदो और MY अस्पताल कैंपस में भी COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट रहेंगे। ये व्यवस्था आज से लागू कर रहे हैं और इन अस्पताल में हम लोग किट भी भिजवा रहे हैं। khasan.com आज आपसे फिर ये अपील करता है कि आप प्रशासन का सहयोग करें और अपने घर में रहें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।